दोस्तों आइए आज हम जानते हैं ए टू जेड वुमेन कैप्सूल के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटे वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरा वीडियो मिस ना कर सके। दोस्तों महिलाओं में होने वाले बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने में ए टू जेड वुमेन कैप्सूल बहुत मददगार होता है। खास महिलाओं के लिए बनाया गया ए टू जेड वुमेन कैप्सूल में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स शामिल है और इसमें मौजूद नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसके अच्छे रिजल्ट में काफ़ी मदद करता है। चलिए जानते हैं इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल एक्सट्रैक्ट के बारे में। इसमें तीन तरह के नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसे कुदरती अर्क भी कह सकते हैं। इसमें साइट्रस, बायोफ्लेवोनॉइड्स और बोरेज ऑयल और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स के बारे में। साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। ये विटामिन सी को एब्जॉर्ब करता है और महिलाओं में होने वाले पैरों में ऐंठन और दर्द और नसों में होने वाले दर्द को ठीक करने में मदद करता है, कमजोर नसों को मजबूती प्रदान करता है और वायरस की रोकथाम के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद हम जानते हैं बोरेज सीड ऑयल के बारे में। बोरेज सीड ऑयल में फैटी एसिड होता है जिसे गामा लिनोलेनिक एसिड GLA कहते हैं। ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर होता है जो स्किन के सभी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। इसमें गठिया रोग के रोकथाम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों बोरेज सीड ऑयल गम्स के प्रॉब्लम को ठीक करने में भी मदद करता है और डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एस्थमा, स्ट्रोक, डिप्रेशन जैसे बीमारियों के रोकथाम के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। बोरेज सीड ऑयल हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है। ये हार्मोन की वजह से होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम में बहुत मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के बारे में। दोस्तों इवनिंग प्राइमरोज ऑयल स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा, एक्ने, पिंपल्स के रोकथाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। एक्ने और एक्जिमा जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम को ठीक करने में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आर्थराइटिस, गठिया रोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैंसर की रोकथाम के लिए भी इवनिंग प्राइमरोज ऑयल बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये हार्ट डिजीज़, वीक बोन, कमज़ोर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करता है। दोस्तों इवनिंग प्रिमरोज ऑयल महिलाओं में होने वाले स्तनों में दर्द, ब्रेस्ट पेन में को ठीक करने में भी मदद करता है और ये स्किन और हेयर और नेल्स को खूबसूरती प्रदान करता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी है जैसे विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B1, B6, B3, B12, बायोटिन, विटामिन के, विटामिन डी जैसे बहुत सारे विटामिन हैं। और इसमें मौजूद मिनरल्स की बात करें तो इसमें मौजूद बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो महिलाओं में होने वाले बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये तो था ए टू जेड वुमेन कैप्सूल के बहुत सारे फ़ायदे।
दोस्तों अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है या आपको कोई दवा यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसे डॉक्टर को बताना ज़रूरी है अगर आप इसे ले रहे हैं तो, या लेने से पहले इसकी जानकारी देना अपने डॉक्टर को बहुत ज़रूरी होता है। और बिना डॉक्टर की सलाह से आप A to Z वुमेन कैप्सूल नहीं ले सकते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। A to Z वुमेन कैप्सूल लेने और ना लेने का निर्णय आपका या आपके डॉक्टर का होगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।